लटेरी तहसील के ग्राम नया गांव में रहने वाले कमरलाल यादव और उनके परिवार ने आज कलेक्ट्रेट में कलेक्टर के नाम लिखित ज्ञापन दिया। बताया गया कि उनके घर में अज्ञात कारणों के चलते 16 तारीख को आग लग गई थी। घर पर कोई नहीं था। घर की महिलाएं खेती काटने गई थी। कमरलाल रिश्तेदारी में गए हुए थे। दोपहर में अज्ञात कारणों के चलते लगी आग की वजह से सब कुछ जलकर खाक हो गया। पूरी गृहस्थी तबाह हो गई। घर पर बंधे मवेशी भी इस आग में बुरी तरह झुलस गए। 4 से 5 लाख रुपए के नुकसान की आशंका परिवार के सदस्यों ने जताई है। कलेक्ट्रेट को ज्ञापन देकर आर्थिक मदद की गुहार पीड़ित परिवार ने लगाई। क्या नाम आपका? कमल लाल। कहाँ से आए हो, क्या शिकायत? नए गांव से हाँ सर, शिकायत जाए हमारे पूर्व घर मकान सब बरगा भैंस ढोर मवेशी सब। कब की घटना? शनिवार के दिन। नया गांव कहाँ पड़ता है? लटेरी बगल में पड़ता है, जमोनी पंचायत। कितना नुकसान हुआ? सब लोग होगा पूरे वर्ग का मकान बहुत हो। एक ही परिवार है क्या लोग? और भाई भी रहते, मेरा मेरा सब वर्ग। क्या मांग करी आप? आपको जो ही मांग है कछु हमें मिल जाए मदद साहब, हैरान हो गए। कैसे आग लगी थी पता नहीं, कैसे लगी कैसे पता? नरवाई की आग से लगी थी? नहीं वो तो पता ही नहीं है, मैं तो खेत पे है तो कोई नहीं है, तो घर बरोई मिल गांव वाले ने बुझाई है, लगी मिली कैसे लग गई। क्या नाम आपका और कहाँ से आए? संजीव यादव, बुआ के लड़का, मैं मुस्करा से आया हूँ। और जिसमें भैया जी एक रसोई में गए थे, भाभी जी गेहूँ काटने खेत के लिए गई थी, घर पे भैंसे बनी थी, कोई नहीं था, ताला डला था। वो पूरी रकम पास नाच जितना भी सटपट थी सब घर पे थी। जे आए शाम को घर पे तो आग लगी हुई मिली 3 बजे के लगभग। जब गांव में पता चला तो पूरा पूरा घर जल गया और इतना भारी नुकसान हुआ कि ये इस टाइम पर रोड पे पनी डार के रह रहे हैं। खाने का सामान, गेहूँ रखे थे 20-30 कुंटल, सोना चांदी रुपा जो भी चीज़ थी एक एक जल चुकी। लगभग कितना मोटर? 5-6 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। क्या आश्वासन मिला अभी कलेक्ट्रेट में? नहीं, कलेक्ट्रेट में हम आए थे कि साहब अभी है नहीं है यहाँ पे, हमने आवेदन भी दे दिया है यहाँ पे, किया है उनने बाबूजी ने कि यहाँ पे आपको सहायता की आर्थिक सहायता दी जाएगी।